नमस्कार, आप देख रहे हैं दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। आज हम आ चुके हैं मतदान बूथ केंद्र पर जो की विवेक विहार के अंदर है। हम यहां के पार्षद जी से बात करेंगे, आइए जानते हैं यहां की क्या तैयारियां हैं, कितने लोग अभी तक मतदान कर चुके हैं। तो पार्षद जी बताइए, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम पवन शर्मा नटराज है। यहाँ की तैयारियाँ कैसे चल रही है? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में डटा हुआ है, क्योंकि इस बार तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनानी है और इस बार 400 पार सीटें लानी है, जिसके लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर बूथ बूथ तक, एक एक घर तक जाकर कार्य मतलब वोटर्स को निकालने का काम कर रहा है, मतदान केंद्र तक लाने का काम कर रहा है और इस बार ऐतिहासिक जीत होगी, ये हमें विश्वास है। तो यहाँ के लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, मतदान करने के लिए आ रहे हैं, इनको देखकर क्या लगता है, उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है, बहुत अच्छा उत्साह है। आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल पर कितनी भीड़ है और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं सामने वाले, उनके यहाँ कितनी भीड़ है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह है उतना ही जनता में उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में विकास हो रहा है, जिस तरह से अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में पूरा देश पे परिवर्तन किया उन्होंने, चाहे वो रोड के माध्यम से हो, चाहे वो उन्होंने रामलला स्थापना का हो, चाहे धारा 370 हटाने का काम किया हो, सभी बातों को लेकर आम जनता के अंदर पूरा का पूरा उत्साह है और उस उत्साह के कारण आज आम जनता पूरी तरह से मन बना के बैठी है कि हमें मोदी जी को इस बार बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाने के लिए यहाँ से मंजू शर्मा जी को जिताना है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कबूर सिंह यादव है, विवेक विहार विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। अब की बार का जो चुनाव हो रहा है वो भ्रष्टाचार को जड़ से मूल नष्ट करने का है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि अभी तो ट्रेंडिंग है, आगे होगा सारा काम, अब जितने भी भ्रष्टाचारी एक ही बात नहीं रहेगा, और देश को सशक्त बनाने का ये चुनाव हो रहा है। जनता बगैर किसी के कहे अपने आप बूथिंग पूल पर आ रही है। अभी तक 10:30 बजे तक हमारे यहाँ 30% बूथिंग हो गई है, दो बूथ है जिसमें 30% बूथिंग होते, बिना किसी उसके अपने आप ही लोग भाग आ रहे हैं और एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं बूथिंग को। सर, एक जगह ये भी देखा जा रहा है कि आपकी जो प्रत्याशी है मंजू शर्मा, उनका पोस्टर में कहीं चेहरा नहीं आ रहा, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो एक मोदी जी का चेहरा है, केवल मोदी जी के नाम से वोट कर रहा है। बिल्कुल, कमल का फूल और मोदी चेहरा, मोदी जी का चेहरा नहीं, मोदी जी का चेहरा नहीं, जो मोदी जी ने विकास किया है उस विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। हम कांग्रेस के समाज से भी उनसे भी बात करते हैं, उनका नाम विष्णु शर्मा है, उनसे जानते हैं किस तरह की उनकी तैयारियां है, कितना प्रतिशत यहाँ पे मतदान हो चुका है, सर बताइए। जय जय श्री श्याम। मैम, हम प्रताप सिंह कचहरीवाल जी का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, हम उन्हें 40 साल से लगातार देख रहे हैं कभी संघर्ष करते हुए, जैसे कि ज्योति नगर के लिए उन्होंने संघर्ष किया, ठीक है, पृथ्वीराज नगर के लिए उन्होंने संघर्ष किया, फिर उन्होंने पट्टे दिलवाए इस वाली सरकार में आने के बाद, और ऐसे खूब सारे हैं सर, उनका काम ही है वो, ड्यूटी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी हर इंसान के लिए खड़े रहते हैं। 9829010010 उनका पर्सनल मोबाइल नंबर है, कभी बंद नहीं होता मैडम। दूसरी बात, आप किस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी से, उनकी फोटो आप हर बैनर में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, उधर देखिए आप, उधर आपको मंजू जी की फोटो तक नहीं दिख रही होगी। मैम, किस बात का वोट मांग रहे हैं? अंधेरे में खुद चल रहे हैं, जनता को ले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी हम तो इनसे भी यही कह रहे हैं कि आप प्रताप सिंह खाचरियावास जी को ही वोट दें, ताकि विपक्ष मजबूत हो, आवाज स्टार्ट हो, 10 साल से कोई आवाज नहीं आ रही है, आप देख लीजिए। तो जनता का भी मन में सवाल यही आएगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास को ही क्यों वोट दे, तो उस बारे में क्या कहना? मैम, मंजू जी जब आपको आज फोटो में ही नहीं दिख रही है, बाद में क्या दिखेंगी? आप किसके लिए वोट मांग रहे हो बताओ तो सही मुझे। मैं कह रहा हूँ 9829010010 नंबर, हर लड़के के, हर लड़की के, हर फैमिली के नंबर मोबाइल में होंगे, आप चेक कर लीजिएगा, आप पता कीजिएगा, उनका पर्सनल नंबर है, 40 साल से कभी बंद नहीं हुआ है, संघर्ष हम स्टार्टिंग से उनका देखते आ रहे हैं। आपके इस मतदान बूथ पर अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? और आपने कोरोना काल में, मैम आप जयपुर में होंगे तो आपने देखा होगा, प्रताप सिंह खाचरियावास जी ही एक ऐसे नेता थे, चाहे कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, जो हर समय खड़े थे, चाहे किसी हॉस्पिटल में जाना हो, किसी शमशान घाट में जाना हो, कहीं भी जाना हो, हर जगह वो खड़े हुए।
हम उनसे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, हम कांग्रेस से या बीजेपी से हमारा कोई मतलब नहीं है मैम, हम लोग हमारा काम करते हैं, लेकिन व्यापारी होने के नाते मैं ऐसे इंसान से जुड़ना चाहूंगा जिसको हम इजीली पकड़ लें, इजीली बात कर लें। हम तो चाहते हैं हमारी आवाज़ संसद तक कैसे पहुंचेगी, आज तक किसी की आवाज़ सुनी क्या आपने? 10 साल में 25 सीटें हर बार दिए, कुछ हुआ जयपुर में? विकास हुआ है? विकास बगैर बोल ही नहीं सकते ना मोदी जी के सामने को जाकर के। और हम तो कह रहे हैं विपक्ष को भी, बीजेपी को भी, आप मोदी जी को, आप प्रताप सिंह जी को वोट दीजिए और मोदी जी के सामने भेज दीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी वालों के मंजू शर्मा का पोस्टर नहीं लगा हुआ, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो है उन्होंने भी अपनी रैलियां नहीं करी, जनसभा को संबोधित नहीं किया, अपना चुनाव प्रचार कुछ काफी तरीके से अच्छा नहीं किया, तो उस बारे में क्या कहना है? मैंने पहली बैठक को कहा है कि वो 40 साल से यही संघर्ष कर रहे हैं, हमने उनका कॉलेज टाइम से देखा है। मैं तो खैर जब स्कूल में था नहीं समझता था, बट मैं कॉलेज में आया जब से मैं उनके साथ हूँ, मैं समझ रहा हूँ। जहाँ तक हमें ध्यान है अभी हमारा 30-40% मतदान हो चुका है, अभी हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, तो जल्दी हमको पता चल जाएगा कितना प्रतिशत हो चुका है। शाम 6 बजे तक यहाँ पे मतदान होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, तो क्या लगता है किसकी जीत होगी? देखिए जीत तो जनता की होती है, ये बात तय है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं नज़ारा इस समय पूरे देश का जो है, पूरा देश जो है वो एक राशिता की धारा में बह रहा है, तो इसके लिए जीत तो मोदी जी की होगी, भाजपा की होगी। अभी हम अशोकपुरा मतदान केंद्र पर आए हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और कितना प्रतिशत अभी तक यहाँ पे मतदान हो चुका है। आइए सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ की आम जनता से। मेरा नाम रामकरण नायक है, एक मैं आम नागरिक हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार इतना बढ़िया मतलब लोग चल के आ रहे हैं, गुजर लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, ऐसे लग रहा है जैसे कोई दिवाली आ रही हो। तो यहाँ पे अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? अभी जो मतदान हो रहा है वो भी 40 समथिंग हो रहा है। क्या लगता है इस चुनाव के अंदर किसकी जीत जनहित की होगी, राजनीति की होगी और भारतीय जनता पार्टी की होगी। अभी हम यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष है उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं का किस तरीके से उनके अंदर उत्साह देखा जा रहा है। बहुत अच्छा उत्साह है, सभी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं और रिक्शे भर के जा रहे हैं। तीन बूथ है, तीनों बूथों में 3 रिक्शे लगा रखे, तीनों बूथ भर के जा रहे हैं। अभी आपके सामने आपने देखा रिक्शा भर के गया है और प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे यहाँ घर के नेता है, हमारे अपने नेता है और उनके संघर्ष को बहुत सभी लोग जानते हैं, घर घर में उनको पूजा होती है उनके, एक तरीके से रोड लो, शिविर लो, पट्टे लो, सारे काम उन्होंने अच्छे करा रखे हमारे लिए, सारी जनता खुश है उनसे और सभी लोग दिल से आर्य का सहारा बाबा श्याम हमारा नारा चल रहा है, बाबा की मदद से आपकी बारम चल रही है। आपने यहाँ के कार्यकर्ताओं से सुन लिया, यहाँ की आम जनता से सुन लिया, अब जानते हैं बच्चे भी क्या चाहते हैं, आप किसको जिताना चाहते हैं, क्यों जिताना चाहते हैं? हमारे साथ यहाँ एक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार काला है और मैं शिवराज विधानसभा क्षेत्र में निवास करता हूँ। तो यहाँ के जो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, उनका उत्साह कैसा है? उनका उत्साह हमेशा प्रताप सिंह के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि प्रताप सिंह जी अशोकपुरा को अपना परिवार मानते हैं, शिवराज विधानसभा को जयपुर को अपना परिवार मानते हैं, सबको परिवार की तरह रखते हैं, इसलिए सब प्रताप सिंह के साथ है। वहीं कुछ जगह पे देखा जा रहा है कि मंजू जो प्रत्याशी है उनका पोस्टर के अंदर नाम लिया रहा है, मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका भी कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप किसी प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम पर वोट मांग रहे हैं या फिर कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, तो उस बारे में क्या है? नहीं मैम, पार्टी से ऊपर उठकर एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो पिछले 30 साल तक जयपुर में संघर्ष कर रहा है, गरीब के लिए, ठेले ठेले वालों के लिए, दलित के लिए, कुचित के लिए, महिलाओं के लिए, तो हमारा वोट और हमारी समस्त जनता का वोट प्रताप सिंह खाचरियावास। विधानसभा के अंदर जो चुनाव हुए थे उनके अंदर जो उनको प्रताप सिंह खाचरियावास को हार मिली थी, तो उसका भी असर इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, पहले विधानसभा चुनाव में हम लोग हार चुके थे, जब प्रताप सिंह जी को टिकट मिला लोकसभा से तो प्रताप सिंह जी ने भी काफी यही कहें तो आम जनता का भी कहें तो प्रताप सिंह जी कमजोर है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग फील्ड में निकले विधानसभाओं में गए तो प्रताप सिंह जी को बहुत स्नेह और समर्थन मिला है और आज राजपूत समाज प्रताप सिंह खाचरियावास जी के साथ खड़ा है और समस्त समाज बीजेपी से नारा चल रहा है, इसका फायदा प्रताप सिंह जी को सीधा मिलेगा और प्रताप सिंह जी बहुत बड़ी जीत